अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू सनाज ऑल इन वन चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की, बच्चों की बहुत फेवरेट रेसिपी लाई हूँ, जिसका नाम है पिज़्ज़ा बंस। आपको पता है पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो वो ब्रेकफास्ट में उन्हें दे दें, लंच में दे दें, डिनर में दे दें, वो हर वक्त इसको पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी आपके लंच बॉक्स वगैरह में भी बहुत काम आएगी। पिज़्ज़ा देने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लंच बॉक्स में पिज़्ज़ा जब इधर उधर हिलता है बैग्स में बच्चों के, तो वो ज़रा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप उनको ये बंस की शक्ल में देंगे तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। पिज़्ज़ा बंस बनाने के लिए हमें पहले डो रेडी करनी है, क्योंकि हमने इसको रेस्ट देना है एक घंटे के लिए। तो पिज़्ज़ा बंस के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। इसके लिए मैंने 4 कप्स मेयरिंग कप से नापे हैं, 4 कप मैदा है, और 2 टीस्पून यीस्ट है, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और 2 टीस्पून मेरे पास शुगर है, और 1 टीस्पून सॉल्ट है, और इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल का जाएगा। अब इसको मैं गूंदना स्टार्ट करूँ, डो बनाना शुरू करते हैं। अब इसके लिए मैंने नीम गरम पानी लिया है, 1 कप है ये, और इसमें मैं अब शामिल करूंगी शुगर और सॉल्ट। इसको थोड़ा डिसॉल्व कर लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे साथ खमीर। खमीर आपका बड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। अगर आपने उसको पहले से घर में ला के रखा है तो उसको प्लीज़ पहले इसी तरह से चेक कर लें कि वो डेड तो नहीं है। अगर वो डेड होगा तो आपका जो डो है वो अच्छा राइज नहीं होगा, और अगर आपका पानी भी ज़्यादा गर्म है तो वो भी ख़राब कर देगा खमीर को। ना आपने ठंडा लेना है ना आपने गर्म लेना है, आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसको मैं अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। ये अच्छा सा डिज़ोल्व हो गया है, पूरा एक कप पानी लिया है मैंने, इसका मेयरिंग कप से नापा था, और इसको मैं ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। जी व्यूअर, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने ये देखें, ये अच्छा सा फोम बन गया है। अब मैं इसमें मैदे में मिल्क पाउडर को शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। और ऑयल को मैं शामिल कर दूंगी इस मिक्सचर में और इसको अच्छा सा बीट करके इससे गूंद लेंगे अपनी डो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ऐसे इसको डालती जाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता से इसको गूंदती जाऊंगी। हमने इसकी सॉफ्ट डो गूंदनी है। अभी इसमें मैंने 1 कप पानी डाला था, इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी और चला जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए 1 कप पानी चला गया। अब ये मैंने 1/2 कप पानी और लिया है, ये भी नीम गर्म है। पहले भी नीम गरम था, अब भी नीम गरम पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हाथों में चिपकेगी आपके थोड़ी सी।
ये देखें हमें इस तरह की डो चाहिए, हल्की हल्की स्टिकी होनी चाहिए, ये देखें सॉफ्ट डो है। अब इसको मैं काउंटर पे डाल के थोड़ा सा डो नीट करूँगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे काउंटर पे और अपनी डो को निकाल लेंगे काउंटर पे और इसको दोनों हाथों से नीट करेंगे। ये देखें हमारी डो रेडी हो गई है, इसको मैंने 5-7 मिनट के लिए इस तरह से नीट किया है। अब इसको मैं बोल को ग्रीस करके अब इस डो को रख दूंगी और इस डो को भी जरा ग्रीस कर देंगे ऊपर से ताकि जब ये राइज हो तो ये बोल के साथ ना चिपके और ड्राई भी ना हो। ये हो गया, अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे एक घंटे के लिए। एक घंटे के लिए रख लें या जब तक राइज ना हो जाए डबल अपने साइज में तब तक रखेंगे। जब तक हमारा डो राइस करता है तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। उतनी देर में मैंने ये वेजिटेबल्स काट लिए हैं जो हमें ज़रूरत है। छोटा सा प्याज ले लीजिएगा, एक टमाटर ले लीजिएगा, एक शिमला मिर्च है, पिज़्ज़ा सॉस है और ये चेडर और मोज़रेला चीज़ है और ऑलिव्स हैं ब्लैक, मैंने इनको हाफ कट किया है। 3 टेबल स्पून ऑयल है जिसमें हम ये चिकन को बनाएंगे और 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने छोटे छोटे चंक्स काटे हैं क्योंकि ये बंस के अंदर जाएंगे तो बड़े बड़े चंक्स अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ आप कीमा ले सकते हैं या आप इस तरह से चंक्स बना लें। और उसके अलावा हमें 1 टीस्पून चाहिए लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेंगे, जिस तरह आपको पसंद है उतना आप कर लीजिएगा वरना स्पाइसी ही अच्छा लगता है इसके साथ। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिया है अदरक और 1/2 टीस्पून गार्लिक का पाउडर, ये दोनों पाउडर लिए हैं मैंने। आप चाहें तो अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं पाउडर फॉर्म में तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए, मिर्चें और नमक तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अब हम इन्हें खाना स्टार्ट करेंगे, हम चिकन रेडी कर लेंगे जब तक हमारा डो राइस करता है। पैन गरम हो रहा है, इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करके इसमें कुछ भी भूनने वाला तो है नहीं, अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपना चिकन, ठंडे में ही शामिल कर दें ताकि वो चिपके नहीं और तेज आंच पे पर रखिएगा। तेज आंच है मेरी ताकि ये पानी भी ना छोड़े, जूसी रहे। थोड़ा सा कलर चेंज होने का वेट करते हैं, कलर चेंज हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है, अभी तो मुझे मिर्चें और भी कम लग रही हैं, लेकिन आप अपनी ही डालिएगा अगर आपको नॉर्मल पसंद है। और मैं आपको सिरका बताना थोड़ा भूल गई हूँ, तो इसमें 1 टेबल स्पून सिरका भी जाएगा, ये सिरका है 1 टेबल स्पून। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाता है, घर पे अपने बच्चों को साफ़ सुथरा खाना खिलाएं। जब हम घर में बना सकते हैं अच्छा खाना तो हमें क्या ज़रूरत है अपने बच्चों को गर्म खिलाने की। इसको आपने तेज़ आंच पे ही जल्दी जल्दी से फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन जूसी रहे और डन भी हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे चंक्स हैं ये तो फटाफट पक जाएंगे। और मैं इसका अच्छी तरह से पानी खुश करती हूँ, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। 1 घंटा हो गया है, अब 1 घंटे के बाद देखते हैं हमारी डो कैसी हो गई है।
ये देखें कि साइज़ में डबल हो गई है, बल्कि ज़्यादा ही हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी काउंटर टॉप पे, इसमें से एयर को प्रेस करके निकाल देंगे। और इसमें जो हमने ऑयल लगाया था उस वजह से ये चिपकी नहीं है। अब इसमें काउंटर टॉप पे निकाल के थोड़ा सा और इसको करूँगी नीट, उसे हमारे बंस जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और फ्लफी रहेंगे। ये देखें इसको एक दफ़ा से फिर मैं कर लूँगी थोड़ा सा नीट। और इसको और रख दूँगी 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। पिज़्ज़ा डो को मैंने काउंटर पर निकाल लिया। अब मैं इसके एक जैसे पेड़े बना लूँगी, छोटे बॉल बनाऊँगी जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं। इस तरह से बना बना के रखते जाएं, बहुत बड़े नहीं बनाने हमने, बस इस तरह से इतना इतना पेड़ा बना के रखते जाएं। ये देखें अब मैं बाकी सारे पेड़े इसी तरह रेडी कर लेती हूँ। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख दूँगी। दस मिनट हो गए हैं, अब मैं एक एक पेड़ा उठाती जाऊँगी और सरफेस काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका थोड़ा सा फ्लैट आउट करूँगी। और अगर आप पर है, आप छोटे साइज़ बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें। ये मेरे मीडियम साइज़ के हैं। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे फिलिंग। अब इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, जितनी पसंद हो और जितना आपका पेड़ा हो उस हिसाब से डालिएगा। इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं, ज़्यादा कॉर्नर्स पे नहीं लगानी क्योंकि वो फिर सील नहीं होगा। ये रख लिया। अब इसमें चिकन रखेंगे, तीन चार चिकन के पीस रख दें, अपने वही बन के हिसाब से होगा। और इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटोस, थोड़ा सा अनियन, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे, और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और डालेंगे चीज़ डालेंगे, और इसको लगाएंगे थोड़े से ऑलिव्स, और इसको करेंगे अब बंद। इस तरह से बंद कर लेंगे। काफ़ी अच्छी मैंने फिलिंग रखी है, काफ़ी ज़्यादा फिलिंग रखी है। ये थोड़े से ज़रा आपको बड़े बंस मिलेंगे। अब ओवन में मैं बेक करूँगी इसको 15 से 20 मिनट के लिए। बड़े बंस रख दिए हैं। अब छोटे वाले बंस मैं इसी तरह से लगा दूँगी नीचे और इसको करेंगे बंद। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने बंस को निकाला है। एग वॉश लगाऊंगी इसको। एग वॉश करके इसमें मैं सेसमी सीड लगा दूंगी। ये देखिए अच्छा सा आपका एग वॉश होना चाहिए ताकि कलर अच्छा सा आए। अब मैं इसको वापस बेक करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, छोटे वाले हो गए हैं, बड़ा अच्छा नाइस गोल्डन कलर आ गया है। और कुछ तो देखें, थोड़े सा चीज़ बाहर आ गया है, बॉम्ब्स की तरह ये फट गए हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये बड़े वाले बंस भी निकाल लिए हैं और इनके ऊपर मैं ऑयल से ब्रशिंग करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ऑयल से मैंने ब्रशिंग कर दी है। और अब इसको मैं प्लेट्स में लगाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मेरे बंस, पिज़्ज़ा बंस रेडी हैं।
और बहुत यमी और बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें, कुछ मैंने छोटे बनाए हैं बच्चों के लिए और वो मैंने बड़ों के लिए बनाए हैं। तो आप भी अपनी पसंद के हिसाब से साइज़ चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप बनाएं, आपके घर का है, आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं, आपके हाथ में है। तो देखें, आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये देखें किस कदर सॉफ्ट बने हैं और बहुत गर्म है। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, और आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये देखें, ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें किस कदर मज़े के लग रहे हैं। ये देखें फिलिंग, और बंस भी देखें कितने नरम और कितने अच्छे बने हैं। तो आप भी प्लीज़ इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अगर मेरी आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।